स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है। यह जानकारी आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जानकारी जुड़ी है स्वयं सहायता समूह के फंड को लेकर के, जो RF का फंड 15,000 रुपये होता है और CIF का फंड 1,10,000 रुपये होता है। इस फंड की वापसी को लेकर के और फंड के यूज को लेकर के जानकारी यहाँ पर सामने आई हुई है। इसकी जांच शुरू हुई है कि समूह में RF का फंड और CIF का फंड वापसी हुआ है या नहीं, और इसको रोजगार आदि में खर्च किया गया है या किस काम में खर्च किया गया है। तो यह जांच शुरू हो गई है RF और CIF फंड की, तो आप सभी को यह जानकारी जानना बहुत ही आवश्यक है। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समूह की सब दीदियां इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। आप सभी को पता है कि समूह में जो CIF का फंड मिलता है रोजगार आदि के लिए मिलता है, और RF का फंड भी आपको आंतरिक लेन देन के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है। अब यहाँ पर जैसा कि बताया गया था कि आमदनी होने पर, यानी कि इस पैसे से आपको कोई रोजगार करना था, रोजगार करने से आप उससे कुछ पैसा कमाती, इनकम होती, तो आमदनी होने पर धनराशि वापस समूह के खाते में जमा करनी होती है। विभाग से मिले दस्तावेजों के मुताबिक वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक जिले में, यानी कि एक जिले की बात बताई जा रही है जो कि कानपुर का जिला है, वहां पर 6,222 समूह बनाए गए और इनमें 5,689 समूहों को रिवॉल्विंग फंड यानी कि RF 15,000 रुपये की राशि एक समूह को मिलती है। वह के तहत समूहों को दिया गया टोटल पैसा है 56.89 लाख रुपये, और 5,016 समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि CIF जो कि 1,10,000 रुपया एक समूह को मिलता है। इसके तहत लगभग 55.17 करोड़ रुपए जारी किए गए समूहों को। इसमें 10 समूह ही ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेने के बाद रोजगार शुरू किया, बाकी समूहों ने इस पैसे से कोई रोजगार नहीं किया। तो यह कुछ जानकारी किसी एक जिले की बताई जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे समूहों में यही कुछ चल रहा है, तो उसी को लेकर के जाँच शुरू की गई है। तो यहाँ पर आगे देखिएगा, अब क्या हुआ कि जब दीदियों ने पैसा तो समूहों में प्राप्त किया परंतु उस पैसे से कोई रोजगार नहीं किया और पैसा वापसी भी नहीं समूहों को हो रहा है, और CIF का पैसा, जैसा कि आप जानते हैं कि CIF का जो फंड है वो समूह में वापसी और समूह से ग्राम संगठन में वापसी और ग्राम संगठन से संकुल में वापसी जाता है। अब यहाँ पर देखिए, खुद को बचाने के लिए विभाग कागजों में समूहों का रोजगार तो दिखा रहा, लेकिन हकीकत में पैसा खर्च कहाँ हुआ इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। सरकार की मंशा थी कि गरीब वर्ग की ग्रामीण महिलाएं संगठित होकर खेती किसानी, सिलाई की दुकान या अन्य कोई काम समूह में शुरू कर खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। इसी क्रम में गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह बनाए गए थे। योजना के अनुसार बैंक से लोन लेने के बाद काम शुरू करना होता है। यहाँ पर बता दें आपको कि कानपुर में महिलाओं के उत्थान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत संचालित स्वयं सहायता समूह सरकार से करोड़ों रुपए लेने के बाद भी रोजगार नहीं कर पाए। 5 साल में केंद्र सरकार ने 5,689 समूहों को करीब 55.74 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन 10 समूह ही छोटे स्तर पर रोजगार कर रहे हैं। शेष समूहों ने अपने निजी काम में ही धनराशि खर्च कर दी, यानी कि समूह से पैसा लिया रोजगार के नाम पर और अपने घर में, निजी कार्यों में, अपने कोई भी कार्यों में पैसे को खर्च कर दिया। जबकि समूहों में जुड़ने का उद्देश्य ही यही है कि आप अपने पैरों पर खड़ी हों, आप कोई रोजगार करें, आप समूह से धनराशि उधार लेकर के अपना कोई बिजनेस शुरू करें या खेती किसानी, पशुपालन, कोई दुकान आदि कार्य करें और उस कार्य को आगे बढ़ाने का पूरा भरपूर प्रयास करें, जिससे कि आपके सामने एक आजीविका का स्रोत हो जाए, आपके घर में एक आमदनी का साधन हो जाए। इतनी बड़ी सहायता सरकार ने आपको समूह के माध्यम से दी थी, परंतु बहुत जगह यही हुआ है कि पैसे को निजी कार्यों में खर्च किया, रोजगार आदि नहीं किया। अगर रोजगार करते तो उससे कुछ इनकम करते, धीरे धीरे धनराशि को वापसी करना था, जबकि निजी कार्य में खर्च करने के कारण धनराशि वापसी भी नहीं हो पा रही है।
यूपी रोजगार के लिए मिले 55 करोड़, फिर भी 5600 स्वयं सहायता समूह बेरोजगार विभाग के पास कोई लेखा जोखा भी नहीं। यह जानकारी कानपुर की है। कानपुर में एक जगह की जानकारी है। अगर ऐसे देखा जाए तो कई जगह पर आपको इस तरह की मिल जाएंगी समूहों में कि CIF और RF के पैसे का क्या ही उपयोग किया है, कैसे काम करता है समूह। समूह बनाने की जिम्मेदारी ब्लॉक मिशन मैनेजर यानी कि BMM की होती है। कम से कम 10 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है। इसके बाद समूह के नाम से खाता खोला जाता है बैंक में। नया समूह बनने के 3 माह बाद खाते में रिवॉल्विंग RF फंड का तहत 15,000 रुपये दिए जाते हैं। काम शुरू होने और यह पैसा वापस करने पर 6 माह बाद कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के तहत 1,10,000 रुपया समूह को दिया जाता है। इसके बाद समूह को रोजगार बताकर धनराशि निकालनी होती है, यानी कि CIF का फंड जो आप यूज़ करते हैं उसके लिए आप लोगों को जो प्रस्ताव लिखती हैं समूह में, उसमें बताया जाता है, लिखा जाता है कि आप इस फंड को किस लिए ले रही हैं, किस रोजगार को करने के लिए ले रही हैं। तो रोजगार बताकर धनराशि ली जाती है। अगर आपने कोई रोजगार बताकर धनराशि ली है तो वह रोजगार आप कर रही या नहीं कर रही हैं। यहाँ पर देखिए RF फंड को लेकर 15,000 को लेकर की बात कही गई है। जिस समूह में 15,000 रुपए मिला है और दीदी ने वो पैसा लिया है उधार, तो अपने समूह में वापसी किया है या नहीं, और समूह ने धनराशि को अपने बैंक अकाउंट में समूह के खाते पर जमा किया है या नहीं। धनराशि जब जमा होती है टाइमली, तभी अगला फंड आप लोगों को मिलता है। तो यह कुछ है फंड जो कि रिवॉल्विंग फंड और RF फंड की बात बताई गई है। कागजों में सबसे ज्यादा पशुपालन का रोजगार दिखाया गया है। NRLM विभाग ने कागजों में सबसे ज्यादा पशुपालन के 1,158 रोजगार समूह के नाम पर दर्ज किए। इसके अलावा कॉस्मेटिक शॉप, ब्यूटी पार्लर, सिलाई कार्य, सब्जी मसाला पैकिंग, अचार मुरब्बा, आटा चक्की, फूलों की खेती, अन्य कार्य कागजों में दिखाए गए। हालांकि हकीकत में नाम मात्र के समूह ही सक्रिय है और ये कार्य कर रहे हैं। इसी को लेकर के जाँच शुरू हो गई है और समूहों की ऑनलाइन फीडिंग की जा रही है। समूहों को पैसा लेने के बाद बैंक में जमा कर रहे हैं कि नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। समूह अपना खुद रोजगार कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो भी समूह पैसा ले रहे हैं दीदियाँ और बैंक में जमा कर रही, जो भी लेन देन चल रहा आंतरिक, उसके लिए समूह ग्राम संगठन CLF में रजिस्टर लिखे जाते हैं। ऑफलाइन रजिस्टर लिखने के लिए BK होती हैं, लेकिन सरकार तक इसकी जानकारी पहुँचती रहे इसके लिए मैंने आपको बताया था कि लोकेश ऐप बनाया गया था। और 2023 से आप में जानकारी मिल रही होगी आप लोगों को कि लोकेश ऐप पर सभी संगठनों की, समूह हो, ग्राम संगठन, CLF, सभी का डेटा जो है वो अपलोड किया जा रहा है। तो इसीलिए ऑनलाइन फीडिंग कराई जा रही है, जिससे कि सरकार को एक क्लिक में पता चल जाए कि किस गांव में, किन समूहों में कितना कितना फंड पहुंचा है और कितना कितना फंड किस किस कार्य के लिए लिया गया है, जिससे कि जो है ऊपर तक सभी कुछ जानकारी समूहों की सरकार के पास पहुँच सके। तो अब सभी समूहों के अंदर जो भी RF CIF का फंड पहुंच चुका है, मिल चुका जिनको है, उनसे जानकारी ली जाएगी कि आपने जिस कार्य के लिए पैसा लिया है उस कार्य को किया है या नहीं किया है, या फंड वापसी आपने अपने समूहों में की है या नहीं, इसकी जानकारी ली जाएगी। तो यह कुछ है, समूह की पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि लेखा जोखा सही रखें, आंतरिक लेन देन सही रखें। सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि फंड को समय से वापसी कराएं और समय से जमा कराएं, तो इससे आपका समूह जो है अच्छे से आदर्श समूह की श्रेणी में जाएगा, ग्रेडिंग में अच्छा आएगा और आपके समूह को और भी सरकारी जो लाभ हैं आगे मिल पाएंगे। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर के, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।